हेलो दोस्तों, वेलकम टू लिखो स्टेनो एकेडमी। दोस्तों, डेली डिक्टेशंस के लिए और आपके डाउट्स के सॉल्यूशंस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको चैनल से जुड़ी सभी अपडेट्स रेगुलरली सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन नंबर 111 से लेकर 115 तक की शॉर्ट आउटलाइंस प्रोवाइड करूँगा। जैसा कि रेगुलरली मैं शॉर्ट आउटलाइंस प्रोवाइड करता आया हूँ, वॉल्यूम 5 तक हमने कंप्लीट कर ली है, वॉल्यूम 6 अब हमने स्टार्ट की है, तो उसकी शॉर्ट आउटलाइंस भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आपका ज़्यादा समय न ख़राब करते हुए मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी हमने इसमें शॉर्ट आउटलाइंस बनाई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन नंबर 111 की। एक वर्ड काफ़ी मुझे अलग सा लगा, इंटरेस्टिंग, तो मैंने उसका कुछ इस तरीके से बनाया है, आपकी इससे हेल्प हो सकती है। फोर्थ कमिंग में आपने कुछ नहीं करना, आपने फोर लिखना है और एनजी लगा देना है। ये किस तरीके से बनाया, जैसे हम बिकमिंग करते हैं, बी बनाने के बाद उसके नीचे एनजी लगा लेते हैं, उसी तरीके से इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए हमने फोर के नीचे एनजी लगा लिया, तो ये बन गया फोर्थ कमिंग। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए ये नई हो सकती है, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें शॉर्ट आउटलाइंस नाम से प्लेलिस्ट है, ये सभी आपको उसमें भी मिल जाएंगी। ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। ट्रांसक्रिप्शन नंबर 112 में आप देख लीजिए, सारे वर्ड सभी पुराने लगभग रिपीट हो रहे हैं। मिस्टर डिप्टी चेयरमैन, मिस्टर वाइस चेयरमैन, मिस्टर डिप्टी चेयरमैन सर, मिस्टर वाइस चेयरमैन सर, मिस्टर डिप्टी स्पीकर, इस तरीके के जितने वर्ड हैं ये सारे वर्ड मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, आज उसमें से एक वर्ड निकल के आया है मिस्टर डिप्टी चेयरमैन। थोड़ा सा आपने ध्यान क्या देना है, मोर अटेंशन से इसको आप क्लैश नहीं करेंगे, फ़र्क देखिए, मोर अटेंशन में टी से आप इसको काटते हैं, यहाँ पे डी से काटा हुआ है, तो इसका आप ध्यान देंगे। और वैसे भी मैक्सिमम टाइम्स ये स्टार्टिंग में ही यूज़ होता है। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं, ऑर्गेनाइजेशन से ही बना है ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशन हम इस तरीके से बनाते हैं, उसमें हमने एल लगा दिया, तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल। वर्किंग बना वर्क से, आप इसी में थोड़ा नीचे देखेंगे वर्क लिखा हुआ है, वर्क बनाया उस पर एनजी लगा दिया, तो ये हो गया वर्किंग, इसी हिसाब से वर्कड बन जाएगा। जैसे वर्क लिखा है उसको थोड़ा हाफ कर दूंगा तो वो हो जाएगा वर्कड, और वर्क को अगर मैं डबल कर दूंगा तो वो हो जाएगा वर्कर। एग्जामिनेशन आप देख लीजिए, के पे सेशन की हुक लगाई है, के को थोड़ा डबल किया है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन नंबर 113 में भी कोई ज़्यादा खास नहीं है, गवर्नमेंट है जो कि मैं इस तरीके से बनाता हूँ, और कई जगह आप इसे देख लेंगे इस तरीके से। इन्वॉल्व एक ऐसा वर्ड है जो कि मुझसे पूछा भी गया था कि इन्वॉल्वमेंट, इनको कैसे बनाएं, आपने इन्वॉल्व को इस तरीके से बनाना है। कैसे, पहले हम देखेंगे इन्वॉल्व, तो इन्वॉल्व के लिए आपने एन और वी डबल कर देना है, वो हो गया आपका इन्वॉल्व। फिर आपने इन्वॉल्वमेंट अगर बनाना है तो एन वी डबल और एम मेंट लगा देना है, एम और एन करके। और इन्वॉल्व में आपने क्या करना है, इन्वॉल्व को बिल्कुल हाफ बनाना है और उस पर उसे कट कर देना है जी से। ये कट सिर्फ इसीलिए किया है ताकि आप कंफर्म रहें, क्योंकि नेवर भी इसी तरीके से बनता है, उससे आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए इस तरीके से काट के इसे मैंने बनाया है। अवेलेबल और हाउ एवर में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अवेलेबल में ये एल लगाया है, ये वी एल बना हुआ है, और हाउ एवर में हम आर बनाते हैं। काफ़ी बार आ चुका है ये भी पहले, लेकिन आपको रिवाइज हो जाए इसलिए मैं दोबारा दोबारा प्रोवाइड करता रहता हूँ इनको। ट्रांसक्रिप्शन नंबर 114, जैसा कि अभी मैंने पीछे कहा था, वर्कर्स, तो हमने वर्क को डबल करा और इसका सर्कल लगा दिया, तो ये बन गया वर्कर्स। ऑर्गेनाइजेशनल पीछे आया था, वो क्यों आया था, क्योंकि कैसे आया था, ऑर्गेनाइजेशंस ये बना हुआ है और ऑर्गेनाइजेशन से ही बना ऑर्गेनाइजेशनल। सर्विसेज को आप लाइन से नीचे एक बड़ा सर्कल बना देंगे। इम्प्लीमेंटिंग आप इस तरीके से लिखेंगे, लाइन से नीचे जैसे मैंने बनाया हुआ है, एम उस पे एन और एन जी लगा दिया है। ट्रांसक्रिप्शन नंबर 115 की बात करें तो आ गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, पहले तो 5 ईयर प्लान हुआ करते थे, अब 5 ईयर प्लान बंद हो चुके हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हो तो आपने 1 को सर्कल के अंदर रखना है, सेकेंड 5 ईयर प्लान हो तो 2 को, ऐसे ही फिफ्थ 5 ईयर प्लान हो तो 5 को सर्कल के अंदर। बहुत ही ईजी आउटलाइन है। प्रोग्राम में आपने PR और GR को डबल कर दिया, तो प्रोग्राम आपका बन गया। रिसोर्सेज के लिए R को आपने डबल किया और SES का सर्कल आपने लगा दिया, ये हो गया रिसोर्सेज। अब बात आ गई एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस आपने कैसे बनाया है, K डबल करके नीचे को आपने S का सर्कल लगाया, ये हो गया एक्सपीरियंस। अगर मैं बोलूं कि आपको एक्सपीरियंसिंग लिखना होगा तो आपने सिर्फ डॉट लगा देना है NG के लिए जो यूज़ होता है। एक्सपीरियंस्ड अगर आपने लिखना है तो नीचे SD की आप लूप लगा देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है इस क्लास में,
ये क्लास इसीलिए दी जाती है ताकि आपको हेल्प हो जाए आगे, जितनी भी ट्रांसक्रिप्शन मैं दूंगा आप उनका होमवर्क जब करें तो आप इन आउटलाइंस को यूज़ करके आपको मदद हो सकती है अच्छी स्पीड बनाने में। सो इसी तरीके की वीडियोस में और आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। आप वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करिए जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, जिनको इसकी ज़रूरत है, जो अभी स्टेनोग्राफी शुरू कर रहे हैं उनको आप ये सब शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और उनका भी एग्ज़ाम क्रैक हो सके। क्योंकि हमारा मोटिव है कि सभी को जॉब मिले, आपको तो मिले ही मिले, आपके साथ जितने आपके फ्रेंड्स हैं, जितने एस्पिरेंट्स कोशिश कर रहे हैं जॉब के लिए, उनको जॉब मिल सके। सो अब मैं आपसे मुलाकात करता हूँ अगली क्लास में अगले ट्रांसक्रिप्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।